रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण जी, राज्य रक्षा मंत्री श्री सुभाष भामरे जी, देश के कोने कोने से आए आप सभी को आपके प्रधान सेवक का प्रणाम। आप सभी भूतपूर्व नहीं अभूतपूर्व है, क्योंकि आज जैसे लाखों सैनिकों के शौर्य और समर्पण के कारण आज हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में आपने अपने शौर्य और समर्पण से जो परंपरा स्थापित की है वह परंपरा अतुलनीय है। देश पर संकट चाहे दुश्मनों के कारण आया हो या फिर प्रकृति के कारण आया हो, हमारे सैनिक ने हमेशा पहला वार अपने ऊपर लिया है। चुनौती को सबसे पहले कबूल किया है और उसका सबसे असरदार जवाब भी दिया है। जब लता दीदी ने यहां पर ए मेरे वतन के लोगों गीत को स्वर दिए थे तो देश के करोड़ों लोगों की आंखें नम हो गई थी। साथियों, इस ऐतिहासिक स्थान पर मैं पुलवामा में शहीद हुए वीर सपूतों की रक्षा में सर्वस्व न्योछावर करने वाले हर बलिदानी को नमन करता हूं। मैं राष्ट्र के सभी मोर्चों पर मुश्किल परिस्थितियों में डटे हर वीर वीरांगना को आज इस अवसर पर नमन करता हूं। साथियों, नया हिंदुस्तान, नया भारत आज नई रीति और नई नीति से आगे बढ़ रहा है। मजबूती के साथ विश्व पटल पर अपनी भूमिका तय कर रहा है, तो उसमें एक बहुत बड़ा योगदान आपके शौर्य, अनुशासन और समर्पण का है। आज मुझे बहुत संतोष है कि थोड़ी देर बाद आपका और देश का दशकों लंबा इंतजार खत्म होने वाला है। आजादी के 7 दशक बाद मां भारती के लिए बलिदान देने वालों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक उन्हें समर्पित किया जाने वाला है। इस स्मारक में हजारों शहीदों के नाम अंकित है जो देश की वर्तमान और आने वाली पीढ़ियों को राष्ट्र सेवा और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करती रहेगी। साथियों, राष्ट्रीय समर स्मारक की मांग कई दशक से निरंतर हो रही थी। बीते दशकों में एक दो बार प्रयास हुए लेकिन कुछ ठोस नहीं हो पाया। आपके आशीर्वाद से साल 2014 में हमने राष्ट्रीय समर स्मारक बनाने के लिए प्रक्रिया शुरू की और आज तय समय से पहले इसका लोकार्पण भी होने वाला है। आप सभी ने राष्ट्र के लिए एक अद्भुत स्मृति का सृजन किया है। साथियों, ये स्मारक इस बात का भी प्रतीक है कि संकल्प लेकर उसे सिद्ध कैसे किया जाता है। ऐसा ही एक संकल्प मैंने आपके सामने किया था वन रैंक मैन पेंशन को लेकर के।
पहले की सरकारों के समय आपको कितना संघर्ष करना पड़ा, कितना आंदोलन करने पड़े, इसका देश साक्षी रहा है। अब देश और आप सभी इस बात के भी साक्षी हैं कि वन रैंक वन पेंशन न सिर्फ लागू हो चुका है, बल्कि अब तक 35,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार द्वारा वितरित किए जा चुके हैं। सरकार का पेंशन बजट जो पहले 44,000 करोड़ रुपए था, अब वो बढ़कर के 1,12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुका है। सोचिए, एक वो भी सरकार थी जो कहती थी कि सिर्फ 500 करोड़ रुपए में वन रैंक वन पेंशन लागू हो जाएगा। साथियों, ओआरओपी को लागू होने से आप सभी की पेंशन में 40% की बढ़ोतरी हुई है। इतना ही नहीं, मौजूदा सैनिकों की सैलरी में भी 2014 की तुलना में करीब 55% की वृद्धि हुई है। इसके अलावा आप सभी पूर्व सैनिकों से जुड़ी दूसरी सुविधाओं को भी सरकार द्वारा ध्यान रखा जा रहा है। आपको पेंशन से जुड़ी शिकायतों के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटना पड़े, इसके लिए एक ऑनलाइन सिस्टम बनाने पर काम चल रहा है। इसी प्रकार हमारी सरकार ने ये प्रावधान किया है कि जो सैनिक लाइन ऑफ कंट्रोल या अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दुश्मनों से लोहा लेने के लिए तैनात रहते हैं, उनको अगर हादसे से बाढ़ या तूफान या भूस्खलन जैसी अनेक प्राकृतिक आपदाओं में अगर चोट लगती है या शहादत मिलती है, तो वह सैनिक या उनका परिवार भी पेंशन का हकदार होगा। बहुत लंबे समय से आपकी मांग थी कि आपके लिए सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाए जाएं। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे आपको ये बताने का सौभाग्य मिला है कि एक नहीं बल्कि हम ऐसे 3 सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने जा रहे हैं। साथियों, जब देश का सैनिक सशक्त होता है तो सेना भी सशक्त होती है। देश की सेना का मनोबल देश की सुरक्षा तय करता है, और इसलिए हमारे सभी प्रयासों में हमारी सोच और हमारे अप्रोच का केंद्र बिंदु है हमारे सैनिक, हमारे फौजी भाई। इसी सोच और अप्रोच के कारण पहली बार 57,000 से अधिक नॉन कॉम्बेटेंट पदों को कॉम्बेटेंट पदों में बदला गया है। इसी सोच के कारण सैनिक की क्षमता बढ़ाने के लिए उन पर डेयरी फार्म जैसे कार्यों के बोझ को भी हटाया जा रहा है, और इसी सोच के कारण जब भी आर्मी डे, नेवी डे, एयरफोर्स डे आदि मनाए जाते हैं तो उस कार्यक्रम का एक अभिन्न अंग होता है हमारे सैनिकों द्वारा किए गए इनोवेशंस का प्रोत्साहन। सैनिकों का सम्मान हो, उनके शौर्य और अदम्य साहस के बारे में देश के बच्चे बच्चे को जानकारी हो, इसी सोच के साथ हमने 15 अगस्त 2017 को गैलेंट्री अवार्ड्स का पोर्टल भी लॉन्च किया। देश की सुरक्षा में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी आवश्यक है और स्वाभाविक रूप से होनी भी चाहिए। इसी सोच के साथ पहली बार महिलाओं को फाइटर पायलट बनाने का अवसर मिला है। सेना में भी बेटियों की भागीदारी को और मजबूत करने के लिए भी निरंतर फैसले लिए जा रहे हैं। मिलिट्री पुलिस की टोटल कोर में 20% तक महिलाओं की भर्ती के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन के माध्यम से नियुक्त महिला अधिकारियों को भी उनके पुरुष समकक्ष अधिकारियों की तरह
स्थायी कमीशन देने का फैसला लिया गया है। साथियों, देश की सेना को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी हम लगातार काम कर रहे हैं। जिन फैसलों को कभी नामुमकिन समझा जाता था, उन्हें हम मुमकिन बना रहे हैं। हमने रक्षा उत्पादन के पूरे इकोसिस्टम में बदलाव की शुरुआत की है। लाइसेंसिंग प्रक्रिया से एक्सपोर्ट की प्रक्रिया तक हम पूरे सिस्टम में पारदर्शिता और लेवल प्लेइंग फील्ड ला रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में विदेशी निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए भी हमने कदम उठाए हैं। अब 49% तक FDI ऑटोमेटिक रूट से किया जा सकता है और कुछ क्षेत्रों में 100% FDI का भी प्रावधान किया गया है। डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर यानी रक्षा सामानों की खरीद में भी हमने बड़े बदलाव किए हैं। इसमें मेक इन इंडिया को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हमारी प्राइवेट सेक्टर, जिसे रक्षा उत्पादन में एंट्री करने में भी हिचकिचाहट होती थी, 2014 के मुकाबले अब 3 गुना ज्यादा निजी कंपनियां डिफेंस सेक्टर के प्रोडक्ट्स बना रही है। हम डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रक्रिया को निश्चित समय में पूरा करने के लिए भी प्रयासरत है। इसके लिए रक्षा मंत्रालय और सर्विस हेडक्वार्टर्स की फाइनेंशियल पावर्स, उनके वित्तीय अधिकार में बढ़ोतरी भी की गई है। और यह पहली बार हुआ है कि हमारे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के आयुध कारखानों को 250 से अधिक नॉन कोर आइटम के भार से भी हमने मुक्ति दे दी है। अब हमारी सेनाएं बिना किसी NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के इन आइटम्स को निजी क्षेत्र से खरीद सकती है। साथियों, भारतीय सेना की शक्ति को आज वैश्विक पटल पर सम्मान भी दिया जा रहा है। एक ऐसी सेना जो शांति की स्थापना के लिए हथियार उठाती है। भारत वो देश है जिसने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के लगभग 70 में से 50 बड़े मिशनों में अपने 2 लाख से ज्यादा सैनिक भेजे हैं। भारत वो देश है जिसके सबसे ज्यादा सैनिक इन शांति अभियानों में शहीद हुए हैं। भाइयों और बहनों, ये हम सभी के लिए गौरव की बात है कि आज हमारे प्रयासों में दुनिया के बड़े बड़े देश हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहते हैं। यही कारण है कि 2016 में हमारे इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू में 50 देशों की नौसेनाओं ने हिस्सा लिया था। यही कारण है कि एक के बाद एक देश हमारे साथ रक्षा सहयोग के समझौते करना चाहते हैं। यही कारण है कि हमारी सेनाएं मित्र देशों की सेनाओं के साथ हर साल औसतन 10 बड़ी जॉइंट एक्सरसाइज कर रही है। साथियों, हमारे वैश्विक विजन की वजह से ही आज विश्व में भारत की सेनाओं का एक अलग सम्मान है। आज यदि हिंद महासागर से पायरेसी करीब करीब समाप्त हो गई है, तो इसका बहुत बड़ा श्रेय भारतीय सैन्य शक्ति और उसकी अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को जाता है। हमारी सरकार की इन कोशिशों के बीच आपको पहले क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, इसकी भी जानकारी आवश्यक है। आप में से बहुत से लोग इससे परिचित होंगे, लेकिन मैं आज इस अवसर पर देश के सामने फिर कुछ जानकारियां दोहराना चाहता हूं। ये जानकारियां आज की नई पीढ़ी को भी जानना जरूरी है।
खुद को भारत का भाग्य विधाता समझने वाले लोगों ने देश के वीर बेटे बेटियों के साथ अन्याय करने के साथ ही सैनिकों और राष्ट्र की सुरक्षा से भी खिलवाड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। साथियों, साल 2009 में सेना ने 1,86,000 बुलेट प्रूफ जैकेट की मांग की थी। बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के हमारा जवान दुश्मनों की सेना की गोलियों और आतंकियों की छापामार कार्रवाई का सामना कर रहा था। अपनी जान की बाजी लगाकर आतंकियों के साथ खतरनाक एनकाउंटर कर रहा था। साथियों, 2009 से लेकर 2014 तक 5 साल बीत गए, लेकिन सेना के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं खरीदी गई। ये हमारी ही सरकार है जिसने बीते 4.5 वर्षों में 2,30,000 से ज्यादा बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदे हैं। अब आप बताइए, हमारे जवानों को सुरक्षा कवच से वंचित रखने का पाप किया गया कि नहीं किया गया? ये पाप, ये कलंक किसके माथे पर है? साथियों, जवानों के साथ देश की सुरक्षा के साथ भी ऐसी ही आपराधिक लापरवाही बरती गई है। पहले सरकार चलाने वालों का रवैया सेना को लेकर कैसे रहा, ये मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। सेना और देश की सुरक्षा को उन लोगों ने अपनी कमाई का साधन बना लिया था। शायद शहीदों को याद करके उन्हें कुछ मिल नहीं सकता था, इसलिए उन्हें भुलाना ही उन्हें आसान लगा। साथियों, बोफोर्स से लेकर हेलीकॉप्टर तक सारी जांच का एक ही परिवार तक पहुंचना बहुत कुछ कह जाता है। अब यही लोग पूरी ताकत लगा रहे हैं कि भारत में राफेल विमान आ ही ना सके। साथियों, अगले कुछ महीनों में जब देश का पहला राफेल भारत के आसमान में उड़ान भरेगा, तो खुद ही इनका सारी कोशिशों का, साजिशों को ध्वस्त कर देगा। साथियों, देश की सेना को मजबूत करने के लिए हमारी सरकार उसे अत्याधुनिक एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बियां, जहाज और अन्य हथियार से युक्त कर रही है। राष्ट्रहित को नजरअंदाज करते हुए जो फैसले कई दशकों से रुके हुए थे, उन्हें अब एक के बाद एक प्रायोरिटी के आधार पर लिया जा रहा है। सेना के लिए अत्याधुनिक राइफलों को खरीदने और भारत में बनाने का काम भी हमारी सरकार ने ही शुरू किया है। हाल ही में सरकार ने 72,000 आधुनिक राइफल की खरीदी का ऑर्डर दिया है। साथ ही हमारी सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए का एम्युनिशन
यानी गोला बारूद और गोलियां मिशन मोड में खरीदी है। साथियों, सेना को मजबूत करने की बात हो या फिर शहीदों को सम्मान, कुछ लोगों के लिए देश से भी अब बड़ा अपना परिवार है, परिवार के हित है। आज देश को राष्ट्रीय समर स्मारक मिलने जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय पुलिस मेमोरियल की भी तो यही कहानी थी। इस मेमोरियल को बनाने और राष्ट्र को समर्पित करने का सौभाग्य भी हमारी ही सरकार को मिला। करीब ढाई दशक पहले इस स्मारक की फाइल चली थी, बीच में अटल जी की सरकार के समय बात आगे बढ़ी, लेकिन उनकी सरकार के जाने के बाद स्थिति फिर से जस की तस हो गई। साथियों, आज देश का हर फौजी, हर नागरिक ये सवाल पूछ रहा है कि आखिर शहीदों के साथ, हमारे नायकों के साथ ये बर्ताव क्यों किया गया। देशवासियों के साथ, शहीदों के परिवारों के साथ, देश के लिए खुद को समर्पित करने वाले महानायकों के साथ इस तरह का अन्याय क्यों किया गया। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसकी वजह से किसी का ध्यान शहीदों के लिए स्मारक पर नहीं गया। भाई और बहनों, इंडिया फर्स्ट या फैमिली फर्स्ट, इंडिया फर्स्ट और फैमिली फर्स्ट का जो अंतर है वही इसका जवाब है। स्कूल से लेकर अस्पताल तक, हाईवे से लेकर एयरपोर्ट तक, स्टेडियम से लेकर अवार्ड तक, हम देखते आ रहे थे हर जगह एक ही परिवार का नाम जुड़ा रहता था। एक ही परिवार के गुणगान का परिणाम, उसका दुष्परिणाम ये निकला कि इनकी सरकारों में भारत के इतिहास, भारत की महानता या फिर भारत की परंपरा को कभी महत्व मिला ही नहीं। इसलिए सरकार में आने के बाद हम स्थिति को बदलने में हर तरह से जुटे गए। आज सरदार पटेल हो या बाबा साहब अंबेडकर हो या फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, हमारे राष्ट्रपुरुषों को राष्ट्र के गौरव के साथ, न्यू इंडिया की आत्मा, उसकी पहचान के साथ जोड़ा गया है। साथियों, मेरा ये भी स्पष्ट मानना है और ये मैं दिल से बताता हूं, मेरा स्पष्ट मानना है कि मोदी महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि इस देश की सभ्यता, संस्कृति और इतिहास सबसे ऊपर है। मोदी याद रहे न रहे, परंतु इस देश के करोड़ों लोगों के त्याग, तपस्या, समर्पण, वीरता और उनकी शौर्य गाथा अजर अमर रहनी ही चाहिए। साथियों, पूर्व सैनिकों और शहीदों के परिवारों का जीवन आसान बनाने के लिए अनेक कदम बीते 4.5 वर्ष में उठाए हैं। आने वाले समय में अनेक और फैसले लिए जाएंगे। अब एक मजबूत सरकार आपके सामने है।
जिसे नामुमकिन को मुमकिन बनाना आता है। राष्ट्र के मान के लिए, वीर वीरांगनाओं के सम्मान के लिए, आपके लिए, आपके परिवार के लिए आपका ये प्रधान सेवक हमेशा राष्ट्र हित को सर्वोपरि रखते हुए ही फैसले लेगा। देश की सुरक्षा, देश की प्रगति, देश का विकास मेरे लिए ये लक्ष्य इतने पवित्र है कि मैं हर मुश्किल, हर साजिश, मेरी राह में आए हर रोड़े से लड़ने के लिए तैयार हूं। एक बार फिर राष्ट्रीय समर स्मारक के लिए देश के हर सैनिक, शहीदों के परिवार और सभी देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं देश के लिए जीवन लगा देने वाले, जिंदगी खपा देने वाले, जिए भी तो देश के लिए, मरे तो भी देश के लिए, जिए तो भी तिरंगे के लिए, मरे तो भी तिरंगा ओढ़ करके, ऐसे हर किसी को मैं आज नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मेरी बात को समाप्त करते हुए आपसे आवाहन करता हूं, आइए मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे।